सबसे पहले हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू लगाने के लिए एक ट्रिक होती है, तो आपको सबसे पहले अपने जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर ग्लू गिराना है। एंड फिर आपको उसको वेट पेंट ब्रश से फैला देना है। तो अगर आप मॉड पॉज ग्लू बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला बनता है, फिर उससे हमारा पेपर ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपका कैनवस बहुत अच्छा बनेगा। एंड फिर आपको एक पेपर लेना है, आपको कोई भी थिक पेपर चूज़ करना है, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, और फिर आप उसको अपने कार्डबोर्ड पे ऐसे स्टिक कर दीजिए। और स्टिक करने के लिए आपको एक बिग फैन या फिर फ्लैट ब्रश लेना है, और ड्राई ब्रश होना चाहिए उससे आप इसको ऐसे आप इसके सारे जो भी बबल्स हैं वो मिटा दीजिए। तो ये ट्रिक बहुत ही ईजी है, आप इसे फॉलो करके बहुत अच्छा कैनवस बना सकते हैं। एंड फिर ये जो एक्स्ट्रा जो पेपर बचा है इसे आप इस तरीके से काट लीजिए। सबसे पहले आपको वो कॉर्नर से काटना है कुछ इस तरीके से, एंड फिर आपको मिडल में से इस तरीके के काटना है। आप इस तरीके से कट लगा दें। एंड फिर आपको इसे अंदर की तरफ ऐसे स्टिक कर देना है। तो अब मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया। तो अगर आपको इसके पीछे भी एक पेपर लगाना है ये कवर करने के लिए, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं इसे वॉल पे स्टिकी करने वाली हूँ उसके ऊपर पेंटिंग करके। तो अगर आपको लगाना है तो लगाएं, वरना ना लगाएं। तो ये बन के रेडी है, तो मैंने इसी का सेम प्रोसीजर फॉलो करके एक और कैनवस बनाया है। तो इसके ऊपर पेंटिंग बनाकर मैं आपके साथ जरूर और बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही लो बजट में आपका काफ़ी अच्छा और आ चुका है। बस आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो हमारे घर में रहती है, मतलब हमें इसमें हमने कैनवस 0 रुपीज़ में बनाया है और ये काफ़ी इजी था। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय।